संसार जीवन और मृत्यु का खेल है, केवल एक खेल जिसमें मोह माया के धागे हमारे शरीर की कठपुतली को सुख और दुख का नृत्य नचाते हैं। ये धागे प्रेम, लोभ, ईर्ष्या, बैर, चिंता सभी के बंध खोल देते हैं और हम भ्रमित होकर कूद जाते हैं इस भंवर में अपना जीवन बनाने। और फिर प्रारंभ होता है हाथ पैर मारते हुए उस किनारे की खोज का जो हमें इस सुख दुख के चक्रव्यूह से राहत दिला सके। इस किनारे तक पहुंचना सुलभ नहीं, उस सबको छोड़ना बहुत कठिन है जिसे हम अपना चुके हैं, आदत और चाहत के दलदल में ढंस चुके हैं। किंतु जब मनुष्य को भीतर से शांति की इच्छा होती है तो एक निश्चित अंदेशा है कि उसे किनारा दिखाई दे रहा है। अब होता है ज्ञानोदय का आगमन, एक मुक्ति यात्रा का प्रारंभ। जो आज के लिए नहीं जिया वो जिया अभी तक क्या जिया। जब सबकी जिंदगी एक दिन खत्म होनी ही है तो फिर खुल के जियो। ये जिंदगी अगर खेल है तो जीतने के लिए खेलो। जमाने का कोई डर या दायरा ना पालो, अपनी मर्जी के मालिक बनो। बस वही करो जिसमें खुशी हो, जो ढेर सारा मजा दे। ये त्याग व्याग मुक्ति का मार्ग वगैरह बेवकूफी। एक जिंदा जवान जिस्म की जरूरतें पूरी ना करना जिंदगी की बेइज्जती करना। एक ही सच है और वो है जिंदगी, बाकी सब भ्रम है। ये मोहन जायसवाल है, पुष्पा जी और नारायण काका का बेटा। ये रईस लोग हैं मैडम। चंद्र, तुमने यहाँ इसे ऐसे लटके हुए देखा था? हाँ मैडम, आज सवेरे देखा था। दूर से देखा तो कुछ समझ नहीं आया, पर पास जाके देखा तो उसका खून ठंडा पड़ चुका। सर जी, बंदे का मोबाइल नहीं मिला कहीं। पांडे, आसपास देखो, शायद कुछ शराब की बोतल वोतल। जी सर। सर, सुसाइड लगता है। लेकिन यहाँ दो क्लासेस पढ़े और सुसाइड अकेले किया जाता है, नहीं? माँ जी। क्या हुआ चंदन? माँ जी, वो आपके खेत में। क्या हुआ? जी वो मोहन पेड़ से लटक गए। क्या? जी माँ जी। कंफर्म सुसाइड है, प्राइमा फेसी तो यही है सर। लेकिन एक डाउट है। कैसा डाउट? मौका वारदात से शराब के दो ग्लासेस मिले, जो किसी और के भी हो सकते हैं। हो सकता है मोहन जायसवाल से कनेक्टेड ही ना हो। हो सकता है सर, लेकिन अगर मोहन की बॉडी से अल्कोहल मिला तो? देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, मर्डर या सुसाइड। मेरा बेटा मोहन आत्महत्या क्यों करेगा? पुष्पा जी, हम ये कैसे बता सकते हैं? मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मोहन आत्महत्या नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, वो खेतों में क्यों गया, कब गया, किसके साथ गया? कल शाम करीब 7:30 बजे गया था। कौन था साथ में? ये नहीं बताया उसने। लौटने में देर होगी अम्मा, बाहर ही खाना खा लूंगा। अरे 10 मिनट में बन जाएगा खाना, खा कर जा। नहीं अम्मा, चलता हूँ। अरे पर कहाँ जा रहा है, क्या काम है? जरूरी काम है अम्मा, आप टेंशन ना लो। पुष्पा जी, मोहन रात को घर नहीं लौटा, आपको टेंशन नहीं हुई? मुझे क्या पता था कि अब वो लौटेगा ही नहीं। तो इस तरह से उसका अक्सर घर ना लौटना हमेशा होता था? नहीं, वो कई बार अपने दोस्तों के साथ रह जाता था रात को। शराब? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं पी। और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण वो खुदकुशी करे। कुछ गड़बड़ है मैम। सुसाइड करना भी गड़बड़ ही होता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और बात है तो हम जरूर पता करेंगे। आपके पति कहाँ हैं? पुष्पा जी,
मोहन के पिताजी, वो यहाँ क्यों नहीं आए? हमारा बेटा मोहन, वो नहीं रहा, उसकी लाश मिली है खेत में पेड़ से लटके। पुलिस का कहना है उसने आत्महत्या की है। उसकी अपनी यात्रा थी, हम सब यात्री हैं। कोई अपनी मंजिल पर पहले पहुंचा तो उसके लिए रोना क्यों? अल्कोहल बिल्कुल है ब्लड स्ट्रीम में, वो भी भारी मात्रा में, काफी भारी मात्रा। क्राइम सीन से दो ग्लासेस मिले जिसमें शराब के ट्रेसेस थे, लेकिन कोई बॉटल नहीं मिली। डॉक्टर, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मोहन ने इतनी शराब पी रखी थी कि खुद गले में फंदा डालकर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड कर पाना मुश्किल था? सवाल तो उठ रहे हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि इतनी शराब पीने के बाद इतना मजबूत फांसी का फंदा बांधना, वो गांठ बांधना इतने सटीक तरीके से, वो भी परफेक्टली, और फिर परफेक्टली गले में डालकर पेड़ पर लटक जाना और परफेक्टली मर भी जाना। इतनी शराब पीने के बाद एक एवरेज इंसान चार कदम सीधे चल भी नहीं सकता। तो भी शराब पी नहीं गई होगी, बल्कि पिलाई गई होगी। मुझे दो ग्लासेस मिले वो जरूर मोहन से कनेक्टेड होंगे, इसके साथ जरूर कोई रहा होगा। मोहन की माँ दावे के साथ कह रही है कि मोहन के पास सुसाइड करने की कोई वजह नहीं थी। दाल में काफी कुछ काला। मोहन रात को खेत पर किसके साथ जा सकता था? मुझे पता नहीं मैडम, शायद राहुल को पता होगा। राहुल मोहन का दोस्त है? आपके पास नंबर है उसका? नहीं, मोहन का दोस्त नहीं, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। शायद मोहन के मोबाइल में आपको उसका नंबर मिल जाएगा। हमें अभी तक मोहन का फोन नहीं मिला है, वैसे हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। ये राहुल रहता कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मोहन ने ऐसा क्यों किया। पहले उसके पापा घर छोड़कर चले गए, फिर मोहन ने ये, बेचारी पुष्पा अकेली रह गई। देखो राहुल, 23 जुलाई की रात को मोहन खेत में अकेला नहीं था। हमें पूरा शक है कि वो किसी के साथ बैठ के पी रहा था, और हमें ये भी डाउट है ये सुसाइड नहीं है। मोहन किसके साथ था मैडम? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मोहन काफी करीब था तुम्हारे? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चूंकि तुम मोहन के सबसे करीब थे तो शायद तुम्हें पता हो उस रात वो खेत में बैठ के किसके साथ पी रहा था। मैडम मैं शराब टच तक नहीं करता, लेकिन हाँ मोहन अक्सर अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ पीता था। सर कहीं और बैठकर पी रहे होंगे, फिर लास्ट पैक ग्लास में पकड़कर खेत पहुँचे हों और खाली बोतल पुरानी जगह ही छोड़ दी हो। या सर ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट किसी बार में पी रहे हों और फिर वहाँ से पैक बनाकर सीधा खेत पर पहुँचे हों, इसलिए शायद आपको बोतल ना मिली। अमित सलीम, केस का पोस्टमार्टम करना ये हमारा काम, तुम लोग आसपास के सारे ठेकों में पता करो कि 23 जुलाई की रात को मोहन किसके साथ बैठकर पी रहा, और बार्स में भी चेक करो। विकास प्रसाद तुम ही हो? जी जी मैडम। तुम्हारा दोस्त मोहन मर गया, तुम घर नहीं गए उसके? मैडम वो थोड़ा काम में बिजी था ना, मैं इसलिए टाइम नहीं निकाल पाया। 23 तारीख की रात को तो बड़ा टाइम निकाल पाए थे, उसके साथ बैठकर जमकर पी थी। चल उठा रस्सी और बता कैसे फंदा बनाया था। सर मैं उस रात मोहन के साथ था ही नहीं। बेटा रस्सी उठा, रस्सी उठा और बता कि कैसे फंदा बनाया, कैसे गांठ बांधी, कैसे अपने दोस्त को जिंदा पेड़ पर लटका दिया जो नशे में धुत था। सर आप कह रहे कि वो मेरा दोस्त था, तो मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ जान से? अक्सर गहरी दुश्मनियाँ गहरी दोस्ती से ही पैदा होती, और रंजिश की गांठ को फांसी का फंदा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सर मेरी और मोहन की कोई रंजिश नहीं थी, हम तो बहुत पुराने दोस्त थे। तेरी मोहन के घर पे और हॉस्पिटल में गैर मौजूदगी इस बात का सबूत दे रही है। मैडम मैंने आपको पहले से ही कहा है मैं उस रात काफी बिजी था। तो नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम उस दिन बिजी थे। पिछले एक महीने से हम दोनों में अनबन चल रही थी। वो हम जानते हैं। दिनेश साहब पहली बार पे चौका लगा है, सीधा उसी बार पे पहुंचा हूं जहां मोहन का बैठना फिक्स था।
किसके साथ बैठता था? अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ। लेकिन साहब कुछ दिनों से दोनों यहाँ दिखे नहीं थे और 23 जुलाई की रात को तो पक्का हुआ यहाँ नहीं आए थे। और क्यों बैठना बंद किया दोनों ने? ये तो साहब सलीम ने खुद निकाला है, वही बताएगा। हाँ दिनेश सर, ये विकास प्रसाद यहीं चौरीपुर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है। अब इसको हाईवे से लग के दुकान लगानी थी। एक गाला भी देख रखा था इसने, जो कि इसके दोस्त मोहन जायसवाल का था, लेकिन मोहन ने वो किसी कमल विश्वकर्मा को दे रखा था किराए पे। मैं हूँ कमल विश्वकर्मा सर, क्या बात है? विकास प्रसाद की दुकान चाहिए थी इसलिए उसने मोहन का मर्डर किया, या फिर मोहन ने तुझे दुकान खाली करने के लिए कहा इसलिए तूने मोहन का मर्डर किया? क्या बात कर रहे हो सर, 6 साल से ईमानदारी से दुकान चला रहा हूँ, अचानक से मोहन आता है बोलता है खाली कर दो। सर मैंने ऑफर भी दिया, 20% किराया बढ़ा कर दूंगा। ना 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 ना, किराया बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझको भैया। कमल भाई आप हमारी दूसरी वाली दुकान में शिफ्ट हो जाओ, सेम ही किराया होगा। 6 साल से खून पसीना बहाकर ये धंधा जमाया है, हाईवे है तो धंधा है, और यहाँ लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं। कहीं और जाऊंगा तो 6 साल और लगेंगे धंधा जमाने में, और ऐसा धंधा नहीं होगा। देखो मैं 20% किराया बढ़ाने को तैयार हूँ, अब ना मत बोल। कमल भाई साहब मैंने क्या कहा, यहाँ सवाल किराए का नहीं है, यहाँ सवाल है दोस्ती का। मैंने विकास को दी है जुबान, जुबान देने का तो मतलब आप समझते हैं ना? हाँ समझता हूँ। तुमने मुझे जबान तो नहीं दिया, लेकिन 6 साल से हम लोगों के बीच एक समझौता तो था जो कि तुम तोड़ रहे हो। मेरी जगह तुम होते तो कैसा लगता? ऊपर से बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, जरा इंसानियत के नजरिए से देखो मेरे भाई। देख धंधे में मैंने कभी दोस्ती नहीं ली, और तू उस आदमी की इंसानियत बता रहा है मुझे? मार्केट से 1 लाख रुपये उठाकर तुझे दिया डिपॉजिट, उन्हें 1 महीने के नोटिस पर उसे बोला था, आज 2 महीने हो गए। यार विकास मैंने उससे बात की यार, वो माना ही नहीं। 6 साल पहले मेरे पिताजी से उसने दुकान ली थी, बस इसी बात का राग गाया जा रहा है। पर मेरे 1 लाख के ऊपर सूद चढ़ा जा रहा है, उसका क्या? और वो तेरे 1 लाख तो मैं तुझे कल ही वापस करता हूँ, सॉरी दोस्त। देख मोहन तू दोस्त वोस्त तो बोली मत मुझे, एक दुकान मांगे थे किराए पर तेरे से, वो भी नहीं दे सका तू मुझे। क्या करता उस कमल भाई को, धक्के मार के निकलवा देता उसकी दुकान से, उसका सारा माल बाहर फेंकवा देता, क्या करता बोल? नहीं हो सकता था तो जुबान क्यों दी, और जब दे दी तो जमीन आसमान एक कर देता मुझे देने के लिए। तेरी जगह अगर मैं होता ना मोहन तो मैं ऐसा ही करता। और उसके बाद हम लोग नहीं मिले सर, मेरे डिपॉजिट के पैसे भी उसी के पास थे, पूरे 1 लाख। अब पता नहीं उसकी माँ देगी कि नहीं, और आप लोग मेरे ऊपर स्टोरी बनाए जा रहे हैं सर। हमने स्टोरी बनाई होती ना तो तेरी और तेरे दोस्त मोहन की रंजिश की स्टोरी कभी सामने नहीं आती। तेरे हाथ से दुकान गई, तेरा डिपॉजिट वेस्ट हो गया, रंजिश का सरकारी भंडार हो गया तू। सर मैंने मोहन को नहीं मारा। तो ये बता कि कैसे मारा? मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मोहन नहीं है, पर पिछले 1 महीने से हमारी बातचीत बंद थी, और 23 जुलाई को मैं उसके खेत पर नहीं था। तो फिर कहाँ थे? बिंद गांव गया था गाड़ी के स्पेयर पार्ट खरीदने। पूरी रात स्पेयर पार्ट खरीद रहे थे? नहीं मैडम, देर हो गई थी इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया। उसका नंबर और एड्रेस है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। तो क्या लगता है तुझे मोहन को किसने मारा होगा? कमल ने? सर जी मैं बस किराया देता था टाइम टू टाइम, उसके अलावा ना कोई बात ना मुलाकात। दारू पीते हो? आज तक एक बूंद नहीं, बूंद से उल्टी आती है। बाल बच्चे वाला आदमी है सर। ओ भाई ये बाल बच्चों का पुराना राग लगा के रखा है, हर किसी के या तो बाल बच्चे होते हैं या फिर वो खुद किसी ना किसी का बाल बच्चा होता है। ये मोहन भी अपने माँ बाप का बच्चा था, और इस वक्त हमें मोहन से सिर्फ 2 लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, एक तो तू और एक वो विकास। कोई नाखुशी तो नहीं थी उससे, उस घर से काफी अच्छा रिश्ता था मेरा, और संन्यास लेने के पहले मोहन के पिताजी नारायण जी सारा कामकाज संभालते थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती। ना कोई शिकायत, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, बस मैं, मेरा काम, मेरा घर और मेरे और तेरे बाल बच्चे। पुष्पा बहन और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। रुकिए पंडित जी, मैंने भेजा है चंदर को मोहन के पिता को बुलाने के लिए, उनके बिना मैं। माँ जी वो तो ध्यान ही नहीं तोड़ रहे हैं, एक पल के लिए आंखें खोली फिर मुंह फेर लिया।
नारायण काका, नारायण काका, काका चलिए ना, मोहन को अग्नि देनी है। चलिए ना काका, काका। राहुल बेटा तू ही दे दे अग्नि। दिनेश सर विकास के फोटो के साथ घुमा, चौरीपुर से लेकर पाठक नगर तक एक भी शराब की दुकान नहीं छोड़ी, लेकिन 23 की रात को विकास प्रसाद को किसी ने नहीं देखा। और ना ही सर मोहन जैसा और किसी ने देखा। तो फिर मोहन के खून में इतनी सारी शराब आई कहाँ से? जमीन से या आसमान से? सर कोई अलग ही एंगल हो। लेकिन अलग एंगल जमने के लिए जामन तो लेकर आओ। मोहन के बाप ने 5 साल पहले संन्यास लिया था, क्यों लिया था? कहीं उसका इस कांड से कोई लेना देना तो नहीं? माँ का एंगल देखो, कोई लड़की वड़की का एंगल हो सकता है। जाओ तुम लोग कूद पड़ो और अगली बारी खाली हाथ मत आना। ये नंबर आपकी कंपनी के सिम कार्ड का है। इस नंबर की मुझे पूरी डिटेल चाहिए और इस कस्टमर के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड भी चाहिए। पुष्पा जी, आपके बेटे मोहन की जिससे लास्ट बात हुई थी, वो नंबर ना विकास प्रसाद का है ना ही कमल विश्वकर्मा का है। ये नंबर उसी का होगा जिससे वो मिलने गया होगा 23 जुलाई की शाम को। मुझे नहीं मालूम वो कौन था, मोहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए पुष्पा जी, आप कह रही हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। आपके बेटे को किसी ने मार डाला है। पर क्यों, किसे परेशानी थी मेरे बेटे से? पुष्पा जी, आपके पति नारायण जी, मोहन के पिता, ऐसी क्या परेशानी थी उनके जीवन में जो उन्होंने संन्यास ले लिया, आपको मोहन को अकेले छोड़ दिया? कुछ तो हुआ होगा जीवन में। काफी संघर्ष किया अपने आप के साथ पुष्पा, इस निष्कर्ष पर पहुंचते मैं सारी माया से मुक्ति चाहता हूं। मैंने संन्यास लेने का फैसला किया है। हमसे बिना पूछे बिना बात किए आप ये कैसे ले सकते हैं फैसला? मैं सबकी सोच नहीं अपना सकता पुष्पा, पर मैंने सबके लिए सोच रखा है। आज शाम सबको यहां बुलाया है, आज ही बंटवारा होगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा सिवाय मेरे। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे तो अभी मोहन की शादी देखनी है, उसके बच्चों को खिलाना है सारी दुनिया की तरह, और आपके साथ जिंदगी जीनी है मुझे। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, बस मेरे फैसले में कोई दखल मत देना तुम। देखिए, आपको जो भी संन्यास वन्यास लेना ना वो आप ले लीजिए, पर घर छोड़ के मत जाइए, यहां रहिए ना हमारे साथ। ये साथ ही तो सबसे ज्यादा चुपता है पुष्पा, अब साथ सिर्फ नाथ के साथ है। वो तो मोहन को अग्नि देने भी नहीं आए। नारायण जायसवाल को ऐसी कौन सी चिंता सता रही थी जो बेवक्त नाथ का साथ पाने चले गए? और कहीं यही चिंता उनके बेटे मोहन को तो नहीं सता रही थी? लेकिन उसने संन्यास की जगह सीधे समाधि ही ले ली। सर सुसाइड का एंगल तो लगभग रूल आउट ही करते हैं। 23 जुलाई की शाम को मोहन को जिस नंबर से फोन आया था वो कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ है। सर कुछ तो गड़बड़ है। नारायण जायसवाल रईस आदमी था, खेत दुकानें घर वर सब उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा था, फिर सर अचानक 5 साल पहले उसने संन्यास ले लिया, क्यों? जायसवाल परिवार की पूरी हिस्ट्री खंगालो और मोहन जायसवाल को जो फोन आया था उसकी डिटेल निकलो। कत्ल हुआ तो जाहिर सी बात है कोई इनकी वजह तो होगी। आदर्श, तुम अगर होमवर्क टाइम पर पूरा कर रहे हो तो फिर ये टीचर नोट पे नोट क्यों भेज रहे? टीचर ऐसे ही है। अच्छा, और तुम एकदम पढ़ाकू और मेहनती है ना? मम्मी, किसी का भी होमवर्क टाइम पे नहीं होता। रुक, कल पूछती हूँ तेरे सारे दोस्तों से। नहीं, चुप चुपचाप नाश्ता कर। अरे काम पे जाने के लिए देरी नहीं हो रही? नहाए भी नहीं अब तक? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, छुट्टी मार रहा हूँ मैं। हफ्ते में 3 दिन तो मूड नहीं होता आपका, बस छुट्टी पर छुट्टी। अरे छुट्टियों का क्या लंगर लगा हुआ है?
अगर काम से निकाल देंगे ना तो लंगर में ही खाना खाना पड़ेगा। चल अब दिमाग मत खा समझी, जाओ आदर्श को स्कूल छोड़ के आ जा। अरे आप देर से जाओ पर काम पर तो जाओ। तू जाना, मेरा मूड बनेगा तो जाऊंगा मैं, सिर मत खा मेरे। जा नहीं जी, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है और मेरा नाम विवेक मिश्रा भी नहीं है। सर पूरे मोहल्ले में कोई भी विवेक मिश्रा नहीं मिला। और सर 18 जुलाई को ये नंबर बारागढ़ से खरीदा गया, उसके बाद इस सिम से सिर्फ एक कॉल किया गया 23 जुलाई को मोहन को। अच्छी खासी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है प्रोफेशनल। एक फर्जी सिम से सिर्फ एक ही कॉल किया गया, मोहन को जरूर लालच दिया गया होगा। हाँ भाई बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। बोलो कहाँ मिलना है? तेरे खेत से और बेहतर जगह नहीं है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। विलायती जापानी स्कॉच लाया हूँ। वाह चीते, तूने तो दिल खुश कर दिया, तलब लग गई है। चल सुन, कुछ देर में मिलता है, ठीक है? देर ना करना। कॉल फर्जी नंबर से भले ही किया गया हो लेकिन कॉलर जान पहचान का ही होगा, क्योंकि मोहन जायसवाल मिलने गया था। और सर उसका नाम मोहन ने अपनी माँ को नहीं बताया था। पीने जा रहा होगा, शायद बताना नहीं चाहता होगा। सबसे अहम बात यह है कि कई प्रॉपर्टीज और दुकानें थी इस मोहन जायसवाल के नाम पर, तो जाहिर सी बात है फैमिली में किसी न किसी को तो जलन हुई होगी, और जलन से कत्ल का रास्ता अक्सर काफ़ी छोटा होता है। पता करो ऐसा कौन है जिसे मोहन जायसवाल के जाने के बाद फ़ायदा हुआ हो। सर जी जानी दुश्मनी का भी कोई लीड तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पूरी जायसवाल फैमिली की हिस्ट्री मिली है, वो भी चौंका देने वाली। चल चौंका दे। सर जी शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये जायसवाल परिवार तो मतलब सुसाइड और एक्सीडेंट का पूरा पिटारा है पिटारा। सर साल 2003 की बात है, ये नारायण जायसवाल के बड़े भाई हरिनाथ जायसवाल और उसकी पत्नी मंजू जायसवाल दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ थी? बस एक्सीडेंट था, काफी सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, कुछ बिसेक पिटारे में हाथ डाल सलीम कुछ काम का निकाल। सर बड़े भाई और भाभी की मौत से सुना है नारायण जायसवाल काफी हिल्स आ गया था। संन्यास का यही कारण था? ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन हरिनाथ के चार चार बच्चे थे। थे मतलब? यही तो चौंका देने वाली बात है सर, फैमिली की हिस्ट्री का सच आप तो झूठी समझेंगे। तो सुनाएगा तब समझेंगे ना। हरिनाथ की बड़ी बेटी पूजा गुप्ता, उससे शुरू करता हूँ। पूजा के बाद एक और बेटी थी उनकी, नीता दास। पूजा और नीता के बाद दो बेटे अरविंद जायसवाल और प्रतीक जायसवाल। और क्या हुआ इनका? पहले तो सुनिए नीता दास की स्टोरी। नीता। राकेश जी नीता नहीं रही। नीता नीता दास की लाश मिली भौरा तालाब में चित्रापुर में 2012 में। जी और उसे सुसाइड माना गया, केस दर्ज हुआ था कहीं? सर चित्रापुर का केस था, आप लोग तो डिटेल्स आसानी से निकलवा सकते हैं। और सस्पेंस सुनिए, ये पहला और आखिरी वाक्या नहीं था उस खानदान में, कोई और भी है। अरविंद जायसवाल दोनों भाइयों में बड़ा और दोनों बहनों से छोटा, उसकी भी बॉडी मिली थी चित्रापुर के भौरा तालाब से 2014 में, नीता दास के मरने के ठीक 2 साल बाद। सबसे बड़ी बहन पूजा और सबसे छोटा भाई प्रतीक, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? इसे तो लोकेट नहीं कर पाए हम। हाँ लेकिन पुष्पा जी जरूर बता सकती हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। सब बड़ी अजीब बात है, मोहन के अंतिम संस्कार के समय हमने अपने कांस्टेबल मल्ला को मार रखा था, सभी लोगों की एक लिस्ट भी बनाई थी जो वहाँ आए थे,
पर उसमें प्रतीक और पूजा तो दिखाई नहीं दिए। सर हमें तो बस इतना पता चला था कि मोहन को ये जो राहुल है, जो उसका दूर के रिश्तेदार है, उसी ने आग दी थी। गड़बड़ा, डेफिनेटली गड़बड़ा। नैनान जायसवाल के भैया और भाभी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनकी मझली बेटी नीता और मझला बेटा अरविंद सुसाइड करते हैं। दोनों एक ही तालाब में डूबकर सुसाइड करते हैं। 2 साल के अंतर में पहले बहन फिर भाई। और सर अब इस मोहन के केस में भी लग रहा है सुसाइड है, पर आसार सारे मर्डर के नजर आ रहे हैं। सर शायद इस केस में भी पिछले दोनों केसेस की तरह सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअली में मर्डर हो। चित्रापुर पुलिस स्टेशन से नीता दास और अरविंद जायसवाल, इन दोनों की 2012 और 2014 की फाइल निकलवा। साक्षी सर, तुम हरिनाथ जायसवाल की सबसे बड़ी बेटी पूजा और सबसे छोटे बेटे प्रतीक, इन दोनों को ट्रैक करो। मैं जरा इस सन्यासी बाबा नारायण से भेंट करके आता हूँ। नीता दास, अरविंद जायसवाल 2014। सर दोनों केसेस क्लोज किए गए? हाँ, एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया और एडीआर भी फाइल हुआ। आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी को कोई गड़बड़ नहीं नजर आई? भाई बहन 2 साल का गैप, एक ही जगह पे एक्सीडेंटल डेथ, ये तो टू मच हुआ ना सर। मैं एक्चुअली इस पोस्ट में 2015 से हूँ। मेरे आने से पहले SHO रमेश चौबे यहाँ थे, ये दोनों केस वही दिख रहे थे। चौबे जी का नंबर है आपके पास? बिना पूछे मैं आपको क्या क्या बताती और क्यों? पुष्पा जी कमाल करती हैं आप। आपके परिवार में पहले 2 मौतें सुसाइड या एक्सीडेंट से हो चुकी हैं और आप हर बार इसी बात पे जोर देती आई हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता। तो क्या पुष्पा जी आपको नीता और अरविंद के केस में भी यही लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनका कत्ल किया गया है? देखिए हमारा घर अनहोनियों का गढ़ है। जिस घर का आदमी जीवन के बीचों बीच संन्यास ले ले, उस घर के बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे पति ने अरविंद और प्रतीक दोनों को अपना अपना हिस्सा दिया। नीता की शादी कराने में तो हमारा तेल निकल गया। पुष्पा जी पहले नीता फिर अरविंद और अब मोहन, हमें ये लगता है कि ये सारी मौतें मर्डर्स हैं जो कोई करवा रहा है। ये पूजा और प्रतीक कहाँ हैं? पूजा अपने पति कपिल के साथ गिरीश नगर में रहती है। नंबर और एड्रेस दीजिए और प्रतीक का भी। आप नीता और अरविंद के देहांत की खबर तो निकाल पाई पर प्रतीक के मौत की खबर नहीं निकाल पाई। प्रतीक 1 महीना पहले चल बसा है। क्या जी? सुसाइड या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मारा गया। साहब जी हम काम कर रहे थे उस साइट पे, तभी हमने आवाज सुनी। शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है बंदे को। साहब आप में से किसी ने देखा गाड़ी को? हाँ साहब मैंने देखी है गाड़ी, काले रंग की थी, बड़ी सी। प्रतीक चौरीपुर छोड़कर पाठक नगर चला गया था ऐसा मैंने सुना। पुष्पा जी मोहन को मिला के पिछले 4 सालों में आपके परिवार में 4 जवान लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मेरे मोहन को किसने मारा है? पुष्पा जी हमें ये लगता है कि ये वही है जिसने बाकी 3 लोगों को मारा है और इसका पता हम सबूत के साथ लगाएंगे। संसार जीवन और मृत्यु के बीच का खेल है। कब सांस रुके, जीवन का अंत हो, कौन बता सकता है? कोई नहीं। नारायण जी आप यहां ध्यान लगाकर जीवन को खेल समझ सकते हैं, पर हम मौत को खेल नहीं समझ सकते, खासकर जब मौत मर्डर से हुई। पिछले 4 सालों में आपके परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई। हमें शक नहीं, लगभग यकीन है कि 4ों मौतें मर्डर, कत्ल। शुरुआत नीता से हुई, फिर अरविंद, फिर प्रतीक और अब मोहन। माजरा क्या है?
पुष्पा ये चारों खबरें लेकर आई थी मेरे पास, मैंने सुना, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ चुका हूं। सबसे पहले परिवार का स्नेह। और इस वैराग्य का कारण आपके बड़े भैया हरिनाथ और भाभी मंजू की मौत। सही पहचाना आपने, हरि भैया की मौत से मैं इतना डर गया मानो आत्मा सिकुड़ गई हो। फिर लगा व्यर्थ है ये जीवन, जहां सांस लेते वक्त भय जाता हो और निकलते वक्त चिंता निकलती हो। बस त्याग दिया सब कुछ। और आपके पीछे आपके परिवार के 4 सदस्यों ने बेवक्त इस दुनिया को छोड़ दिया। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर? जो लोग गए हैं मैं उन्हें वापस बुलाऊं, पूछूं उनसे कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आप बेवक्त चले गए, जबकि बेवक्त कुछ होता नहीं है। कर्मों के काल चक्र में सब कुछ सही वक्त पे होता है। और अगर इतनी ताकत होती मुझ में तो सबसे पहले मैं अपने हरि भैया और भाभी को नहीं रोकता। व्यर्थ है ये सारी बातें। मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ी। आपको जायदाद का बंटवारा जैसे करना है आप कीजिए पापा, लेकिन आप खुद क्यों जा रहे हैं? मेरा इस संसार में मन नहीं है मोहन। पूजा कपिल के साथ खुश है, नीता राकेश के साथ, अरविंद और प्रतीक भी बड़े हो गए हैं, तुम्हारी तरह अपना देख लेंगे। मेरा जो कुछ भी था वो अब सब आप लोगों का है, सबको उसका हिस्सा मिलेगा। मैंने अपनी समझ के अनुसार न्याय करने का प्रयास किया है। अब कहीं कोई 19-20 हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अरविंद, प्रतीक, तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई, पिता समान बड़े भाई, उनका घर अब तुम दोनों का है, दोनों का बराबर का हक होगा। उनके खेतों की जमीन का एक हिस्सा नीता और पूजा को मिलेगा, बराबर 2 भाग। चाचा जी, हम सब साथ में यहाँ खुश हैं। आज आप ही हमें घर छोड़ के जाने को कह रहे हैं। शराब छोड़ दी तुम दोनों ने? अगर छोड़ दी कहोगे तो चुभेगा, क्योंकि तुम्हारी सांसें सच बोल रही हैं। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक रहे हो और नशे के गुलाम। खैर, मैं नसीहत देने वाला कौन होता हूं, सिर्फ एक बात कहूंगा, हरि भैया ने बड़ी मेहनत और वक्त लगाकर उस घर को बनाया है, उसे नशे में डुबो मत देना। पापा, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? आप कैसे रहेंगे हम सबके बिना? वहां क्या करेंगे अकेले? ये मेरा पद है, मेरा निर्णय है। हम में से हर कोई दूसरे के चुने हुए पद पर बाधा नहीं बन सकता। चलता हूं, मेरी दुनिया अब मेरे भीतर है, मैं अधिकतम वही रहता हूं। कभी कभार तो बाहर की दुनिया में आते हैं ना? मजबूरी है शरीर की, आना पड़ता है, जैसे कि अब आ ही गए हैं तो ये बता दीजिए कि आपको किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हैं? जी नहीं। परिवार में कोई दुश्मनी, जर जोरू जमीन का कोई झगड़ा, आपके हरिनाथ भैया की किसी से कोई दुश्मनी? हरि भैया की सबसे बड़ी दुश्मनी तकदीर से थी, जिसने इतनी बेरहमी से उन्हें और भाभी को बेवक्त छीन लिया। और उस सब के बाद एक ही बात समझ में आई, सब माया। हाँ दिनेश, ये दोनों केसेस, नीता दास और अरविंद जायसवाल, दोनों मैंने ही फाइल किए थे। और दोनों ही केसेस में एक पॉइंट तक कोशिश की गई कोई नया एंगल ढूंढने की, पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। रमेश जी, भाई बहन 2 साल के अंतर में एक ही तालाब में मरे पाए जाते हैं। नीता की रिपोर्ट में लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि नीता को स्विमिंग नहीं आती थी। और 2 साल बाद अरविंद की रिपोर्ट में भी लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अटैच है दिनेश, यही फाइंडिंग थी हमारी। बस इत्तेफाक था कि दोनों भाई बहन एक्सीडेंटली एक ही जगह पे मर गए। इत्तेफाक हैट्रिक मार गया। खबर मिली आपको? नहीं तो? नीता और अरविंद का छोटा भाई प्रतीक जायसवाल 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। ओ, हमारा करंट केस इन तीनों का चचेरा भाई मोहन जायसवाल नशे में धुत, उसकी लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। सुसाइड रूल आउट हुआ है, एक्सीडेंट तो कंसिडर भी नहीं कर सकते।
अब ऑप्शन बचा मर्डर। देखो दिनेश, उस वक्त नीता दास और अरविंद जायसवाल के केस में जो प्राइमा फेसी थी और जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर एंगल से एक्सीडेंटल डेथ का ही केस बनता था और वही रिकॉर्ड और वही फाइल हुआ। लेकिन हाँ, अब इस नई जानकारी की रोशनी में जरूर हो सकता है कि इन दोनों केसेस में हमसे कुछ छूट गया हो या कुछ चूक गया हो। हाँ, अजीब तो है कि इस प्रतीक जायसवाल की बॉडी में भी काफी अल्कोहल कंटेंट था। बैक ऑफ द हेड और बैक ऑफ द लेग्स पर गहरा हैमरेज, काफी क्लियर है कि कार ने पीछे से उड़ा दिया। विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल लेवल्स काफी एलिवेटेड है। ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि विक्टिम ने नहीं देखा कि वो कहां चल रहा है और गाड़ी के सामने आ गया, या गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसे उड़ा दिया। अल्कोहल सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, पर ये हिट एंड रन का केस जरूर लगता है। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने एक ब्लैक एसयूवी की बात की थी, हमने काफी खोजा पर कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये प्रतीक जायसवाल तो चौरीपुर छोड़ चुका था ना, फिर आपको उसका यहाँ चौरीपुर का एड्रेस कैसे मिला? उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर चौरीपुर का एड्रेस था, तो हम वहाँ गए। जब हम वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ कोई गणेश पांडे रह रहा है। सर, मैंने एक साल पहले ही प्रतीक जायसवाल से यह घर खरीदा है। उनका कल एक्सीडेंट हो गया, चल बसे। चल बसे? उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर यहाँ का एड्रेस था, तो हम यहाँ आ गए। लेकिन सर, वो एक साल पहले यहाँ से पाठक नगर शिफ्ट हो गए हैं। रुकिए, आप मेरे पास उनके चाचा और उनके चचेरे भाई का नंबर होगा, अगर एड्रेस होगा तो वो भी। हाँ, कहीं लिखा होगा सर। सर, इतना ही नहीं, मेरे पास प्रतीक का पाठक नगर वाला एड्रेस भी लिखा होगा। मैं रुकिए, मैं देता हूँ अभी। हमें पाठक नगर का एड्रेस मिला तो हम उसके चाची के घर गए ही नहीं, बस एक कांस्टेबल भेजकर इन्फॉर्म कर दिया उनके भतीजे की मौत के बारे में। प्रतीक की बॉडी के साथ मोबाइल नहीं मिला तो आपको कुछ शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती? हमारे माइंड में सबसे पहले मर्डर का ही एंगल बन रहा था, लेकिन जब हमने पाठक नगर में जाकर प्रतीक के कजिन मुकेश जायसवाल और उनकी वाइफ कामिनी से बात की तो पता चला कि एक्सीडेंट की पिछली शाम प्रतीक ने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था, या शायद भूल गया। जी, ये प्रतीक जायसवाल यहीं रहता था? था का मतलब? यही रहता है, मेरा देवर है। कैसे हो? कहाँ हुआ ये? पंचनगर के पास हाईवे पर, हिट एंड रन केस है। अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, पर ये बताइए, परसों रात से प्रतीक गायब है, कल एक्सीडेंट हुआ, आपने इसे एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई? मैंने फोन किया था सर, लेकिन प्रतीक अपना फोन घर पर ही भूल गया था। और सर, रही बात परसों घर ना आने की, तो प्रतीक हर तीसरे दिन ऐसे ही करता था, किसी को भी बिना बताए चला जाता था, कहा जाता था, क्या करता था किसी को भी नहीं पता था। काफी शराब पी रखी थी इसने। लत थी, भयंकर लत। ये मुकेश जायसवाल प्रतीक की बुआ का लड़का है, और प्रतीक यहाँ चौरीपुर से जाके उनके साथ पाठक नगर में रह रहा था, ऐसा ही बताया था मुकेश और कामिनी ने। गाड़ी पे कोई प्रोग्रेस? ब्लैक एसयूवी? अभी तक नहीं। ये प्रतीक जायसवाल एक्सीडेंट केस, वहाँ नीता दास और अरविंद जायसवाल केस, और अब ये मोहन जायसवाल केस, ये चारों केसेस एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि किसी मर्डर की साजिश हो सकते हैं, और इस साजिश के पीछे कोई एक ही मास्टरमाइंड हो सकता है। जी हाँ, मैं नीता का पति बोल रहा हूँ, राकेश दास। आप जरा चित्रापुर से यहाँ चौरीपुर थाने आ जाइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आपकी पत्नी नीता के डेथ के बारे में। समझे सर, कि हम एक ही परिवार से, पर नीता, अरविंद, प्रतीक और मोहन की मौत से हमारा और पूजा का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अरे, हम तो उनके साथ तक नहीं रहते। देखिए कपिल जी, डरिए मत, हम आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, सिर्फ कुछ रूटीन सवाल पूछने, प्लीज आ जाइए। क्या बात है, वो लोग हमें क्यों बुला रहे हैं? जी, मुकेश सो रहे हैं, मैं उनकी पत्नी कामिनी बोल रही हूँ। वैसे उस गाड़ी का पता चला जिसने हमारे प्रतीक को उड़ाया? नहीं, अभी नहीं मिली, पर आपको और मुकेश को तुरंत वहां पाठक नगर से या चौरीपुर थाने आना ही होगा। क्यों? हमें शक है प्रतीक का एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है। क्या? हमें लगता है कि ये कत्ल उसके चचेरे भाई मोहन के कथित आत्महत्या और उसके भाई अरविंद और बहन नीता के कथित एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? कामिनी जी, अरविंद की मौत के बाद उसका पुश्तैनी घर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के नाम पर हुआ, उसके बाद उसने अपना चौरीपुर वाला घर बेच दिया और आप लोगों के परिवार के साथ पाठक नगर में किराए के घर पे रहने लगा। ये बात हमें खटक रही है,
आप लोगों से कुछ सवाल करने होंगे, आपको यहाँ थाने आना ही होगा। अब इन चौड़ीपुर वालों को क्या पूछना है? ये वही जाने, अब बुलाया तो जाना पड़ेगा। प्रतीक ने तुम्हें कुछ बताया था कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, और मुझे जितना मालूम था वो मैंने बता दिया था। अब ये चौड़ीपुर थाने वाले कह रहे हैं कि फिर से पूछेंगे। नीता के माँ बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, 2003 में। हाँ, उनको याद करके वो कभी कभी रो लेती थी, लेकिन उसके अलावा उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। राकेश, तुमने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि नीता अक्सर भौरा तालाब के पास अकेले घूमने के लिए जाती थी, जहां वो एक दिन अचानक डूब के मर गई। जी हाँ साहब। क्यों जाती थी नीता वहां? मुझे भी नहीं मालूम। मैं जिला परिषद में नौकरी करता हूं, जब भी मैं दफ्तर में होता हूं वो मेरे पीछे टहलने को चली जाती थी, उसको टहलने का शौक था। शनिचर हो या और कोई छुट्टी हो, वो मुझे भी घसीट के ले जाती थी वहाँ। तालाब उसको पसंद था सर। और उस दिन आपकी पत्नी नीता 14 सितंबर 2012 को तालाब किनारे रोज की तरह ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी? जी हाँ साहब। जब मैं शाम को घर लौटा तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया नीता के लौटने का। जब फ़ोन भी नहीं लगा तो मैं उसे गांव के गलियों में ढूंढने लग गया। फिर मुझे बहुत चिंता होने लगी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा थाने आ गया। एक्चुअली राकेश ने हमें खुद बताया था कि उसकी पत्नी को अकेले टहलने का शौक था, और वो अक्सर भौरा तालाब के किनारे बैठा करती थी। आप उसी रात गए थे तालाब पर देखने? जी नहीं, अगले दिन सुबह एक गाँव वाले ने उसकी लाश पानी में तैरते हुए देखी। मौत फेफड़ों में पानी भरने से हुई है, जो नॉर्मली डूबने पर होता है। इनके पति कह रहे हैं कि तैरना नहीं जानती थी नीता दास। हो सकता है कि पैर फिसल के गिर गई हो तालाब में। सितंबर होने के कारण काफी बारिश हुई थी, तालाब भरा हुआ था। पर रमेश जी, था तो तालाब ही ना, कोई नदी या समंदर तो था नहीं कि पानी का बहाव खींचकर किसी को अंदर ले जाए। और नीता दास तैरना नहीं जानती थी। अब जो इंसान तैरना ना जानता हो वो पानी के अंदर इतनी गहराई तक क्यों जाएगा कि डूब जाए? आपको ये थ्योरी अटपटी नहीं लगी? लगी थी, और यही सवाल हमने भी राकेश दास के सामने उठाए थे, लेकिन काफी खंगालने के बाद भी हमें ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिला शक करने का जिससे कि कोई गड़बड़ की तरफ इशारा हो। सबसे पूछताछ की थी, उसके चाचा चाची से, उसके कजिन मोहन से, उसकी सिस्टर पूजा से, उसके दोनों भाई अरविंद और प्रतीक से भी, जो उस वक्त जिंदा थे। हर एंगल टटोला था। राकेश दास की तरफ से कोई दहेज की मांग थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। नीता की तो शादी नहीं हो रही थी, उसके बाद राकेश मिला, और वो अकेला लड़का था, ना कोई माँ बाप ना भाई बहन, और वो तो इतना सीधा था कि शादी भी वो किसी मंदिर या किसी कचहरी में करने की सोच रहा था। पर हमने उसकी एक नहीं सुनी और बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी की। पुष्पा जी, क्या नीता आत्महत्या कर सकती है? मेरा मतलब उसे कोई परेशानी, पुराना प्रेमी वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उसका कोई पुराना प्रेमी वेमी नहीं था। नीता तो एक बहुत खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। जब माँ बाप चल बसे तभी भी नहीं। चित्रापुर में जितने लोग राकेश और नीता को जानते थे सबसे पूछा हमने, पर ना ही कोई राकेश की तरफ से दबाव सामने आया जो सुसाइड इंडिकेट करे, और ना ही कोई मर्डर का मोटिव मिला। मैंने दोबारा शादी इसलिए नहीं की क्योंकि नीता मेरे अंदर जिंदा है साहब, मेरी सांसों में, मेरी यादों में। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा प्यार था हम दोनों में, आज भी ऐसा। मोहन के क्रियाक्रम पर ना जाने की कोई खास वजह? नीता के जाने के बाद मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ जाता नहीं हूँ, बस अपने आप में ही रहता हूँ। मुझसे पहले नीता को बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन किसी से भी रिश्ता जमा नहीं। मेरा भी रिश्ता बहुत बाद में आया, जैसे किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था।
और अलग होना भी, वो भी इस तरह। नीता तैरना नहीं जानती थी? जी नहीं साहब। कभी तुम्हें शक नहीं हुआ कि शायद वो फिसली ना हो, उसे किसी ने धक्का दिया हो? लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? वही जिसे नीता की मौत से फायदा होने वाला था, फिर अरविंद की मौत से, फिर प्रतीक की मौत से, और आखिर में मोहन की मौत से। क्या बात है कपिल जी, थाने आने में बड़ी आनाकानी कर रहे हैं। क्यों है मैडम जी, जब इस सबसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। नीता से लेकर मोहन, ये सभी जिस परिवार से जुड़े हुए थे उसी परिवार से आप भी हैं। इन चारों की मौत से इनके हिस्से की जायदाद किसको जाती, आपको? नहीं नहीं नहीं, आप ये गलत सोच रही हैं। चाचा जी ने सब में जायदाद बराबर से बांट दी थी, हमें इसमें से कुछ नहीं मिलता, और अरविंद और प्रतीक ने तो लगभग सारा पैसा पीने में उड़ा दिया था। गुस्सा था आपको कि सारी जायदाद सबको बराबर मिली, काबिलियत और जरूरत के हिसाब से नहीं। ये जुंगली आप हम पर उठा रहे हैं, ये जवाब है आपके सवाल का कि हम दोनों मोहन के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुए। एक एक करके जायसवाल परिवार के सभी वारिसों की मौतें हुई हैं कपिल जी, पर आपको कुछ नहीं हुआ पूजा जी? वही तो, इसी बात का तो डर लगा हुआ है हमें कि पता नहीं अगला नंबर कहीं मेरा या इनका ना हो। आप नहीं समझ सकती कि हम पर क्या बीत रही है, ऊपर से वो अरविंद और नीता एक ही तालाब में। धीरज जी, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये हमें भी लगा था, क्योंकि जब अरविंद की बॉडी मिली तो मर्डर का एंगल ही सामने आया था। इनके फेफड़ों में भी पानी भर गया था, फर्क सिर्फ इतना है कि अरविंद जायसवाल नशे में था। अरविंद पियक्कर तो था ही, लेकिन डॉक्टर दोनों भाई बहन एक ही तालाब में और दोनों की फिसल कर एक्सीडेंटल डेथ, ये कुछ जमा नहीं। थोड़ा अटपटा तो है, पर कोई और एंगल का सुराग है आपके पास? सर ये क्या कह रहे हैं आप? प्रतीक फिर से पूछ रहा हूँ, जिस तरह तूने अरविंद को डुबाकर मार डाला वैसे नीता को मारा था ना? नीता तो तैरना नहीं जानती थी, लेकिन अरविंद जानता था, इसलिए तूने अरविंद को इतना पिलाया कि वो तैरने के लायक ही नहीं रहा, है ना? सर क्या बकवास है ये सर, नीता दी से मैं सालों से मिला नहीं था, और अरविंद भैया तो कल दोपहर को ही घर से निकल गए थे, मैं तो अकेला घर पर बैठकर पी रहा था सर। अरविंद अकेला ही आता है साहब अपना माल लेने को, कल भी आया था पूरा खंबा लेके गया। और उसका छोटा भाई प्रतीक? वो भी आया था अपना कोटा लेने कल शाम को, ये 6:30 बजे। अब अपना तो धंधा है ना साहब, वो दारू बेचते थे दोनों को, लेकिन उनका वो चाचा है ना सन्यासी चाचा नारायण जायसवाल, उन्होंने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है साहब। जायदाद को लेकर दोनों भाइयों में आपस में बैर था क्या? काहे की जायदाद साहब, पी पाके दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। डाउट तो तगड़ा था, लेकिन मर्डर साबित करने के लिए कोई सुराग नहीं मिला। रमेश जी, नीता के अलावा अरविंद, प्रतीक और मोहन, इन तीनों ने मौत के वक्त पी रखी थी। अब सवाल यह है कि इन्होंने पी रखी थी या इन्हें पिलाई गई थी जानबूझ के, ताकि ये मौत एक्सीडेंट लगे। लगता है किसी ने इनके पकड़ होने का पूरा फायदा उठाया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शराब पीछा कर रहा है जायसवाल परिवार का। आप ही सोचिए ना, प्रतीक चौरीपुर से पाठक नगर चला गया, लेकिन फिर भी मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब प्रतीक की मौत की खबर आई तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, और फिर मोहन। प्रतीक पाठक नगर शिफ्ट हो गया उस मुकेश और कामिनी के साथ, क्यों? ये तो हमें नहीं मालूम मैडम जी, वैसे भी वो अरविंद की संगति में प्रतीक सारा दिन शराब के नशे में ही डूबा रहता था। प्रतीक किसके साथ पीता था? अकेले ही पीता था सर। क्यों जी? हाँ साहब, और वैसे वो उसने हमको कभी बताया भी नहीं कि किसके साथ पीता था। या वो यहाँ चौरीपुर से अपना मकान बेच के आप लोगों के साथ क्यों आके रहने लगा? दरअसल वो हमारे साथ रहने नहीं आया था, हम ही उसके साथ रहने लगे थे। अरे इतना क्या सोचना, बेकार में यहाँ पर किराया दे रहे हैं और वहाँ मेरा इतना बड़ा घर है, तो रहने वाला मैं अकेला, आज ही है ना वहीं। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी, मतलब
पाठक नगर है भी अच्छी जगह यहाँ से, है ना? प्रतीक काफी डरा हुआ था उसकी नीता दीदी और अरविंद भैया की मौत के बाद। वो अकेले नहीं रहना चाहता था, चौरीपुरी छोड़ना चाहता था। और आपसे क्या छुपाना साहब, हमारी हालत काफी खस्ता चल रही थी। पढ़े लिखे नहीं हम साहब, जैसे तैसे करके मजदूरी करके पेट पाल रहे थे हम। हमको लगा कि किराया बचेगा, ऊपर से पाठक नगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी आने लगी थी। प्रतीक अब जब नहीं रहा तो वहां का किराया कौन देगा, चौरीपुर से तो ज्यादा ही होगा। प्रतीक का सुन ही पड़ गए हैं हम मैडम, पता नहीं आगे क्या होगा। छोड़कर वापस शायद चौरीपुर ही लौटना पड़े हमें। तुम प्रतीक की बुआ के लड़के हो ना? जी साहब। तुम मोहन की बुआ के लड़के हुए? जी साहब। करीब का रिश्ता है, फिर भी ना तुम मोहन को कंधा देने आए और ना ही उसकी माँ पुष्पा का शोक बांटने आए, क्यों? नहीं आ पाए मैडम, हम बुरी तरह से हिले हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम शोक में शरीक नहीं हो पाए तो गुनाह तो नहीं किया ना, हम खुद अपने शोक में थे। सलाम सर। प्रतीक ने अपनी बाकी सारी जमीन शराब में गवा दी, बस एक टुकड़ा बचा है। 20,000 आ जाते थे इससे महीने के। जो अब या कपिल और पूजा को जाएंगे या फिर राकेश दास को, नीता के पति को। जी साहब, अरविंद और प्रतीक को मारकर ये खेत पूजा और कपिल के हो सकते हैं, लेकिन नीता को मारकर इन्हें क्या मिला? सब कुछ तो राकेश दास को गया, और मोहन के बाद उसका हिस्सा उसके माँ पुष्पा को जाएगा। सर, 23 जुलाई को जिस फर्जी नंबर से मोहन को विवेक मिश्रा के नाम से फोन आया था, उस वेंडर को ट्रेस किया, खूब कूटा पर कुछ निकला नहीं। प्रॉपर्टी का भी कोई एंगल बन नहीं रहा सर। अरविंद और प्रतीक पहले सब कुछ पी चुके थे, और नीता का जो कुछ भी था वो राकेश को गया। अब शायद राकेश को हटाने का प्लान बन रहा। सर, राकेश के बाद सारी प्रॉपर्टी पूजा और कपिल को जाएगी, और अब पूजा और कपिल को भी रास्ते से हटाने का प्लान बन सकता है सर। मोहन की प्रॉपर्टी पुष्पा जी को जाएगी, शायद अगला टारगेट वही हो। 4 मौतें हो चुकी और पूरी पॉसिबिलिटी है कि 4 मर्डर्स हैं। पहले 2 वाकयात के बाद ही गहराई में जाने की जरूरत थी। खैर, हम एक और मौत अफोर्ड नहीं कर सकते। दिनेश, तुम्हें ये प्रॉपर्टी वाला एंगल सही नहीं लगता? सर, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे तो नहीं लगता। तो जो भी ग्राउंड रियलिटी है उसे टटोलो, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कहता है कि किसी ने जिंदगी और मौत के बीच का खेल शुरू किया है, और यह खेल बीच में ही रुका है। पर यह खेल कातिल नहीं जीत सकता, क्योंकि इस खेल को हमें जीतना है। इस जयसवाल फैमिली के जिंदा बचे लोगों के फोन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित है कि लोग आपस में अच्छे से टच में थे। पूजा और कपिल राकेश के साथ और राकेश कामिनी के साथ, इन लोगों की अक्सर बातें होती थी। सर, ये सभी एक ही परिवार के हैं, तो आपस में टच में रहना कोई बहुत ज्यादा शक करने वाली बात तो है नहीं। पर सर, एक बात तो है जो खटक रही है। क्या साक्षी? सर, 24 जुलाई के बाद, यानी कि मोहन के मर्डर के बाद, इन सबकी आपस में एक बार भी बात नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग, आगे। सर, राकेश कामिनी और मोहन के साथ एक नंबर रेगुलर टच में रहता था। किसका है नंबर? राहुल जायसवाल का, इनका दूर का रिश्तेदार है। मोहन को अग्नि इसी ने दी थी। 24 जुलाई के बाद कोई भी रिश्तेदार टच में नहीं रहा, और इनमें से कोई भी मोहन जायसवाल के फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सर, शायद ये हमारी नजर में नहीं आना चाहते हो। सर, मुझे ये लगता है कि अगर हमने मोहन के केस को मर्डर केस नहीं माना होता तो शायद ये जो पहले 3 मौतें हुई है ये हमारी नजर में नहीं आती। सर, पहले इन्वेस्टिगेशन में नीता, अरविंद और प्रतीक की मौत एक्सीडेंट या सुसाइड रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन एक बात का फर्क है सर, नीता और अरविंद के केसेस में कोई भी आई विटनेस नहीं थे, जबकि प्रतीक के केस में थे।
साइट पर काम करने वाले मजदूर। नॉट एग्जैक्टली दिनेश, हो सकता है कातिल ने बड़ी चालाकी से यहां भी कत्ल को एक्सीडेंट का लिबास पहना दिया। मैंने प्रतीक की डेथ फाइल देखी, उन मजदूरों ने ब्लैक एसयूवी को जाते हुए देखा, एक्सीडेंट के वक्त नहीं। तो हो सकता है लोकल पुलिस ने 2+2 की 3 के हिसाब से प्रिज्यूम कर लिया, जैसे नीता दास और अरविंद जायसवाल के केसेस में बिना आई विटनेस के होते हुए भी उन केसेस को सुसाइड मान लिया। सर एक बात तो है जो मुझे बहुत पहले से पिंच कर रही थी, ये प्रतीक रहता था पाठक नगर में, पर एकाएक 21 जून को ये पंचनगर के हाईवे पे कैसे पहुंच गया, और वो भी इतने नशे में उसका सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि चारों कत्ल हैं और आपस में कनेक्टेड है। जरूर 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते सबसे पहले नीता को रास्ते से हटाया गया। ये जिंदगी और मौत का खेल 4 साल पहले शुरू हुआ होगा, पहली कठपुतली तभी नचाई गई होगी। पुष्पा, ग्रस्त आश्रम से संन्यास की ओर जाने वाला रास्ता एक तरफा है, जब यहां आकर रहोगी तो संसार के चक्रव्यूह का भंवर फिर से बनेगा। मोहन के जाने के बाद ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? ये सारे सवालों का जवाब हर इंसान को अकेले ही सुलझाना होता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। किस मिट्टी के बने हैं आप? ऐसे कैसे खून का रिश्ता खत्म कर सकते हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके खानदान में पूजा के अलावा अगली पीढ़ी का कोई नहीं बचा है? कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, सभी कर्मों के चक्रव्यूह में एक पायदान से दूसरे पायदान आगे या पीछे बढ़ते हैं। सभी की अपनी यात्रा है। अब उसमें दुखी होकर तुम अपना अकेलापन और बढ़ाओगी। तो क्या मैं भी जान दे दूं, डूब कर मर जाऊं या लटक जाऊं? आवेश में आकर कर भी बातें कर रही, ध्यान लगाया करो, अपने अंदर भीतर चली जाओ, तुम्हें जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। ये सारे मोह माया के धागे काट कर तुम भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हो। जीवन भर की कठपुतली बने रहना इंसानी शक्ति का अपमान है पुष्पा। वही तो सर, ये राहुल जायसवाल है तो मुकेश जायसवाल का रिश्तेदार, लेकिन बंदा इंतजार में रहता है कि कब मुकेश काम पर निकले और ये बंदा उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए। पर ये मुकेश की पत्नी कामिनी कब घर पे रहती है? वही तो सर, वही तो। बच्चा भी तो है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और जाने से पहले इशारा करती है इस राहुल को, इशारा करते ही राहुल घर के अंदर, कई बार तो घंटों बाहर फील्डिंग करता रहता है। जिस दिन ये सिग्नल होता है मतलब मुकेश उस दिन काम पर नहीं गया, घर पर ही, तो राहुल उस दिन कामिनी घर नहीं जाता, उल्टे पैर वापस लौट जाता। बड़ी शिद्दत वाला आशिक लगता है। वही तो सर। आशिक यह तो जरूरी नहीं कि हमारे स्टार मर्डर केस से उसका कोई लेना देना हो, या फिर तेरे पास हुक्म का कोई इक्का है? फिलहाल तो नहीं है सर, लेकिन एक तुक्का मारो। काम है तेरा, जल्दी बोल। सर ये प्रतीक जायसवाल पाठक नगर में एक बड़ा घर लेता है और चुन चुन कर मुकेश जायसवाल और कामिनी जायसवाल के साथ ही रहता है, ऐसा इनके बीच में क्या रिश्ता था? सर ये राहुल जायसवाल ही तो है जिसने हमें विकास प्रसाद की लीड दी थी, मोहन के जिगरी दोस्त की, और इसे हमने स्कैनर पर लिया ही नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, घसीटा जरा इसे, देखते हैं कहीं हमारे 4 मर्डर केसेस का सिंगल विंडो क्लियरेंस तो नहीं।
देख सलीम, बड़े बाबू के नाक के नीचे से पेपर निकलवाना मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ जय बाबू, चार चार मौतें हुई है, केस कोयले पर है। अरे यार, उसे मुझे क्या लेना देना, अगर तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी चलेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। कम से कम 3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन लगेंगे पूरे पेपर निकलवाने में। जल्दी है, लेकिन सारे कागजात चाहिए, सारे के सारे। यस सर, ये राहुल पूजा, कपिल, मुकेश, कामिनी, प्रतीक और मोहन, इन सबसे रेगुलर टच में था। क्यों, आपको कुछ खटकने वाली बात मिली क्या? 21 जून को प्रतीक जायसवाल आखिरी बार जिंदा देखा गया, और उसी दिन उसका सो कॉल्ड एक्सीडेंट भी हुआ, और उसी सुबह 8 बजे राहुल ने किसी धामी ट्रेवल्स के लैंडलाइन पे कॉल किया था, पाठक नगर की एक ट्रैवलिंग एजेंसी। सर, कहीं वो ब्लैक एसयूवी? करेक्ट, खटकने वाला। तो तू दोस्त है राहुल जायसवाल का, सुरेश धामी? जी हाँ। 21 जून को ये ब्लैक एसयूवी राहुल जायसवाल ने बुक की थी? जी। प्रदीप जी, ये गाड़ी शायद आपके राडार से छूट गई। जी, लगता तो ऐसा ही है। सब बात क्या है सब, मेरी गाड़ी कहीं गलत काम में इस्तेमाल तो नहीं हुई ना? हुई है, पर क्यों हुई है और कैसे हुई है ये तेरा दोस्त बताएगा हमें, राहुल जायसवाल। इस राहुल जायसवाल और कामिनी जायसवाल दोनों को उठा लो, पता कर दें कि कठपुतलियां क्यों नचाई गई और धागे किसके हाथ में थे। राहुल, ए राहुल। आया माँ। 21 जून को ब्लैक एसयूवी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? ब्लैक एसयूवी? क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? पंचनगर के पास जब तुम लोगों ने प्रतीक की लाश फेंकी तब तुम्हारे साथ और कौन कौन था? लाश? जी, आदर्श स्कूल में है ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है आदर्श, मुकेश से कहना वो उसे स्कूल से लेके आए क्योंकि हम तुझे लेने आए हैं। मुझे? लेकिन क्यों? ये तुझे भी पता है क्यों, और मुकेश को भी पता है क्यों। मुकेश से कहना कि हमारे आदमियों ने उसकी साइट पे नजर रखी हुई है, तो आदर्श के साथ भागने की कोशिश तो कतई ना करे, वरना जेल में उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कामिनी सब कुछ कबूल कर चुकी है, उसने कबूल किया है कि प्रतीक के मर्डर में वो शामिल थी। मर्डर, एक्सीडेंट नहीं। अगर तू चाहता है कि तेरे हाथ पैर सलामत रहें, सब कुछ सच सच पक दे। झूठ बोल रहा है राहुल। तो तू सच बोल, रोका किसने है? बोल, तूने मारा प्रतीक को या राहुल ने? मैं प्रतीक को क्यों मारूंगी? राहुल क्यों मारेगा, वो आप उससे पूछिए ना। मतलब राहुल ने मारा है ना? तुम्हारे कांस्टेबल है राम सिंह, सस्पेंडेड। जानते हो सस्पेंड क्यों हुआ? उसने एक मुजरिम के ये जो दोनों कान होते हैं सर, सर, वो उखाड़ दिए थे। सर, मुकदमा अभी भी चल रहा है सर। उसे कभी कभी यहाँ बुला लेते हैं तो जैसो की मालिश करने के लिए। राहुल, सर, सर, तेरा पर्दा गिर गया है। बोल सर। सर, मैं अकेले नहीं था सर, मैं अकेले नहीं था सर। सर, वो हम जानते हैं, कामिनी थी तेरे साथ। सर, और भी थे। कौन कौन? मैं, कामिनी, राकेश और कपिल भी साथ था। क्या बात, पूरी फैमिली ब्लैक एसयूवी पर पिकनिक मनाने निकली थी। चल अब जल्दी से वजह बता। थोड़ा संभल के, वो घर पर है। अरे प्रतीक, आजा आजा। कैसे हो भाई? मस्त हूँ मुकेश भाई, एकदम। आप कैसे हैं भाई? जिंदा है तेरी भाभी के राज में? प्रतीक, चाय लोगे? हाँ भाभी, पिला दो। पति है मेरा, उसे उसी के घर में आने से रोक तो नहीं सकती ना। काम वाम छूट गया है क्या उसका? आधे से ज्यादा वक्त तो घर में ही पड़ा रहता है। पूछो मत, अपनी मूड का मालिक है वो। एक काम करें, हुँ? अगर हम लोग एक साथ एक ही घर में रहे तो बढ़िया, लेकिन वो यहाँ चौरीपुर में नहीं हो सकता। तो प्रतीक का खुद का घर बेचना और पाठक नगर में एक बड़ा घर लेना, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं, उसी का था, तरसता था मेरे लिए। और राहुल, वो भी तरसता था? हाँ, वो भी।
सिर्फ मेरा पति नहीं तरसता था, सालों साल मुझे तरसाए रखता था। हर औरत को हर किस्म का सुख मिलना चाहिए। अबे ओ, हर औरत की बच्ची, ये अपना फालतू का ज्ञान ना अपने पास रख और मुद्दे की बात कर। ये राहुल और प्रतीक तेरे पे पैसा उड़ाते थे ना, आप मुझे वेश्या साबित करना चाहते हैं? वेश्या काम करती है, अपना पेट पालती है और अपने परिवार का पेट पालती है, खून नहीं करती वो। मैंने खून नहीं किया है। वैसे ये राकेश और कपिल, ये भी तेरी तरस मंडली के मेंबर थे? मैंने कहा ना आपसे, दुनिया पागल थी मेरे पीछे सिवाय मेरे पागल पति के। मुकेश घर पर होगा या फिर कामनी इस बेड़े प्रतीक के साथ होगा। ये प्रतीक ना कुछ ज्यादा ही मुंह मार रहा है। हाँ यार, जब जाओ साला वहीं बैठा रहता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब हम लोग वहाँ गए हों तो भाई साहब उठ कर दूसरे कमरे में चले जाएं या घर से बाहर चले जाएं। यार अपना अच्छा चल रहा था यार मिल बांट के, ये बेवड़ा प्रतीक कहाँ से आ गया है? बावला हो गया कामिनी के पीछे, शादी वादी करना चाहता है क्या? अब मुझे क्या मालूम यार, मैं तो उससे कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरा दूर का रिश्तेदार जो है, और तुम्हारा तो साला है ना। प्रतीक, जैसे तू रिश्तेदार है ना वैसे वो भी रिश्तेदार है। लल्लू मत समझ मुझे कामिनी, जब देखो तब ये दोनों धमक जाते हैं। यहाँ चोरीपुर में भी आते होंगे है ना, मेरे पीठ पीछे तेरा इन दोनों के साथ भी चल रहा है, क्यों? बड़ा गुस्सा आ रहा, इतना हक तो मेरा पति भी नहीं जाता था। हक है इसीलिए हक जता रहा हूँ, समझी? और आज के बाद ये राहुल और राकेश जी यहाँ दिखने नहीं चाहिए, कभी नहीं मिलेंगे तो उनसे। हक वही जता सकता है जिसके जेब में पैसा हो और जिसके जेब से पैसा आसानी से निकले, लेकिन प्रतीक तो दिन भर दिन कंगाल हो जा रहा था। तो तूने राहुल और राकेश के साथ मिलकर प्रतीक का मर्डर प्लान किया, और इन सब में कपिल कहाँ से आया? वो भी शामिल था इसमें? नहीं, मैं कपिल के साथ नहीं सोती थी, उसे राकेश साथ लाया था। अब क्या है जी? चलो तुम्हें दारू पिलानी है। क्या? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने प्रतीक को दारू पिलाई थी 21 जून को। प्रतीक मुझसे और राकेश से बहुत चिढ़ता था, वो हमारे साथ पीता नहीं था। ये पीने पिलाने वाला पैंतरा तुम लोग काफी वक्त से काफी लोगों पे आजमा चुके हो। सर ये पिलाने वाला आइडिया राकेश का था। पी के वैसे ही सारी जायदाद खत्म कर चुका है वो, ऊपर से कामिनी के साथ मुंह काला कर रहा है सो अलग, और काफी पैसे तो उसने कामिनी पे उड़ा दिए, समझ रहे ना? देखो प्रतीक के पास जितने भी खेत वेत बचे हैं ना उससे अच्छा खासा पैसा आ जाता है, प्रतीक के बाद वो सब हम दोनों का हो जाएगा हक से। मतलब प्रतीक के बाद? हाँ प्रतीक के बाद, क्या बोलते हो साड़ू भाई? गाड़ी मैंने किराए पर ली थी और प्रतीक से मिलने कपिल गया था। सच सच बता कामिनी, ये कपिल भी तेरी आशिकों की लिस्ट में था ना? मैं आपको बोल चुकी हूँ कि वो नहीं था, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे सिर्फ प्रतीक को दारू पिलाने के लिए शामिल किया गया था। कामिनी ने हमें पहले ही बता कर रखा था कि 21 जून को मुकेश जल्दी काम पर जाने वाला है,
फिर कहाँ मारा प्रतीक को? श्यामबाग के पीछे। और प्रतीक को वहां लाए कैसे? प्रतीक की कपिल से अच्छी जमती थी, तो कपिल प्रतीक को पिला उला कर वहां घुमाने के बहाने लेकर के आया था, और कामिनी भी साथ में थी। कपिल जीजू, आप तो कह रहे थे किसी अच्छे से बार में बैठेंगे। देखना प्रतीक, बाहर कितनी मस्त हवा चल रही है, मौसम कितना बढ़िया, नशा और भी चढ़ेगा, चलना उतर। हाँ ये बात तो है। जायसवाल, उसे क्यों मालूम? वो भी शामिल था इस सब में? सर जी कसम खाते हो, मोहन को कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, हमें कुछ भी नहीं पता साहब। तुझे भी नहीं पता राकेश? सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे भी नहीं पता। अशोक, उन्हीं वाली लाल मिर्च मंगवाई थी ना, वो लेकर आओ। मोहन को मार के मेरा कोई फायदा नहीं होता साहब, सब सिर्फ प्रतीक के कत्ल में मैं शामिल था, लालच में आ गया था, लेकिन मोहन नहीं साहब, मोहन नहीं। साहब मोहन को मार के मेरा भी कोई फायदा नहीं होता। राहुल, राकेश, कपिल और कामिनी बहुत पहुंचे हुए, वो सारा इल्जाम तेरे से मर देंगे, मोहन का मर्डर भी, और हमें भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, मोहन के मर्डर में मैं दूर दूर तक शामिल नहीं था सर, मेरा कोई मतलब ही नहीं था उसके साथ। तो किसी का तो मतलब रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं मारा बिना मतलब के? सर वो कामिनी का मतलब था। वो भी सोता था उसके साथ? नहीं, मोहन के साथ तो कभी नहीं, पर मरवाया तो तूने ही। हाँ कारण? क्योंकि वो मुझे डराता था, भांडा फोड़ने की धमकी देता था। उफ, एक झंझट खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। किसकी बात कर रही हो? वही मोहन जायसवाल। साली हम दोनों कम पड़ते हैं क्या जो किसी और के साथ? चुप, एकदम चुप। एक तो मेरे आशिकों की गिनती सिर्फ और सिर्फ मैं रखती हूँ, कोई और नहीं रख सकता, और दूसरी बात मुझे वो मोहन पहले से ही पसंद नहीं था। अभी 3 दिन पहले मार्केट में मिला, अब पीछा करने लगा। कामिनी भाभी। अरे मोहन कैसे हो? ठीक हूँ, अच्छा हूँ भाभी। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगा। मजा आ गया। सुनो, जब जब मुकेश घर पे ना हो मुझे फोन करके बुला लिया करो। पुष्पा मामी को फोन करो क्या? कोशिश करो, फिर उसके बाद मेरा फोन जाएगा पाठक नगर पुलिस थाने। क्या क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? सब कुछ तुमने ही किया है। 21 जून को मेरी प्रतीक से बात हुई थी, हम मिलने वाले थे पर मिले नहीं, क्योंकि कपिल जीजाजी उससे मिलने आ रहे थे, और ये बात तुमने पुलिस को तो बताई नहीं। कोई नहीं, पुलिस तुमसे पूछेगी, कपिल से भी पूछेगी कि ये पहले क्यों नहीं बोला, और क्या छुपा रहे हो? आंखें और कान तो सबके पास होती है कामिनी भाभी, पर हर कोई मुकेश भैया जैसा नहीं होता। साले के कान, नाक और आंखें सब बंद कर देना चाहती हूं, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए भी खतरा है। मुझे बिना मर्जी किसी का छूना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं, और वो कमीना मुझे धमकियां देकर मुफ्त में मजे लेना चाहता था। ये राकेश और राहुल ने उसे मारा? मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया, बस खबर मिली कि वो मर गया, और सच कहती हूं सुकून मिला। हाँ भाई बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, बोलो कहाँ मिलना है? तेरे खेत से बेहतर जगह नहीं है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। विलायती जापानी स्कॉच लाया हूँ। सालों से मेरी और मोहन की अच्छी जमती थी, हम अक्सर उसके खेत में बैठकर पिया करते थे। तो सिर्फ तुम दोनों ही पी रहे थे, या उस शाम को सब आशिकों की मंडली जमा हुई थी वहाँ पे? सिर्फ हम दोनों ही थे,
राकेश बाद में आया था। कमाल की चढ़ी है बे, कहाँ से लाए जापानी दारू? मेरा एक दोस्त लाया एयरपोर्ट से। ये ले, एक और घूट मार। बस 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 चीयर्स। इन दोनों को क्यों मारा? सर, नीता दीदी और अरविंद का मुझे सच में नहीं पता है सर। सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप राम सिंह को बुला लो सर। मेरे कान उखाड़ दो या जो करना है करो सर। जब कुछ पता ही नहीं है सर तो क्या बोलूं? मुझे याद नहीं है मैडम कि मेरी राकेश के साथ दोस्ती कब हुई थी। राकेश की नीता के साथ शादी होने से पहले से ही तेरी उसके साथ दोस्ती थी, बेडरूम वाली दोस्ती। हाँ शायद, लेकिन आप उसी से क्यों नहीं पूछते? मैं ऐसे हिसाब नहीं रखती और मैडम मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं अपनी खुशी चाहती थी और सामने वाले को खुश कर देती थी। इन सब ने अपने आप में जाल बनाया और सबके सब फंस गए और मुझे भी फंसा दिया। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्यों सरजी, नीता और अरविंद के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सरजी, प्रतीक और मोहन के कत्ल में मैं शामिल था, ये मैं कबूल करता हूँ, लेकिन नीता और अरविंद के कत्ल को मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो साहब जबरदस्ती? राकेश दास, जबरदस्ती तो हमने भी शुरू भी नहीं की है, हालांकि बहुत पहली करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो तालाब के पानी से भी ज़्यादा साफ है कि पहले तुम्हारी पत्नी नीता और उसके 2 साल के बाद उसका भाई अरविंद दोनों तालाब के पानी में डूबे नहीं थे बल्कि डुबोए गए थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नीता और अरविंद का कत्ल हुआ। सर वैसे तो हम सबको तोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा शक है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे नीता के पति राकेश दास का ही हाथ है। सर वैसे प्रतीक और मोहन को पिला करके इस मर्डर को सुसाइड और एक्सीडेंट का रूप देने का आइडिया इसी राकेश का ही था। तब तो 100% नीता और अरविंद के साथ यही हुआ। चौरीपुर से पाठक नगर तक मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा था, मुझे पता कैसे नहीं चला। ऐसा कैसे हुआ इसकी खोज तो तुम्हें अपने अंदर झांक कर करनी होगी मुकेश, पर हुआ तो है। इंसान जब सच का सामना नहीं करना चाहता, आभास होते हुए भी आंख मिलाना नहीं चाहता, तो अक्सर वो सच के साई से भी दूर रहता है। मुकेश, तुम पिछले सालों के एक एक दिन को ध्यान से याद करो। कितनी बार सच ने तुम्हें दस्तक दी होगी और कितनी बार तुमने सुन के भी अनसुना कर दिया होगा। मरे तिगड़म के बाद ये कागजात हाथ लगाए सर। इस कमीने राकेश दास ने नीता से शादी करने के एक हफ्ते बाद ही उसका 25 लाख का बीमा करवाया था 2010 में, और उसके बाद उसने पूरे 2 साल इंतजार किए और फिर अपनी बीवी को मार डाला। हाँ मैम, क्लोजर रिपोर्ट के लिए पीछे पड़ा था चित्रापुर थाने में, इंश्योरेंस उड़ा ली गया शाने में। सर इस राकेश पर हमारा डाउट तभी जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, 4 साल की कसर एक ही बार में पूरी करें। सॉलिड धुलाई करो इसकी, इसे नीता का सचुगल हुआ, अरविंद का तो अपने आप बोल देगा। बोनस मेरे सर पर बहुत कर्ज था, इसलिए बीमा के पैसे के चलते मैंने नीता से शादी कर ली। तो तुमने नीता को मारने का प्लान उससे शादी करने से पहले ही बना लिया था? जी हाँ। और कामनी के साथ तेरा रिश्ता शादी से पहले से था? हाँ। तो कामनी भी इस बीमा के पैसों के लिए किए गए मर्डर में शामिल थी? नहीं, इन सब में वो लोग कोई भी शामिल नहीं थे। वो तो उस दिन वो तालाब पर थी और मुझे मौका मिल गया। परनीता का भाई अरविंद? अरविंद को पता चल गया था कि मुझे बीमा के पैसे मिल चुके, वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने उसको पैसे दिए थे लेकिन उसको 50% चाहिए था, इसलिए मैंने उसका भी। तूने उसे भी मार डाला? हाँ, मार डाला उसको भी।
उस दिन भी तालाब किनारे कोई नहीं था। इन चारों केसेस में अलग अलग लोगों के अलग अलग किरदार रहे, सबकी अलग अलग चार्जशीट फाइल करो सर। इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करो, और इस कपिल की बीवी पूजा इसे जरा डीपली टटोलो। राइट सर। इस केस में कुछ लोग नाना कहते हुए भी इन्वॉल्व रहे, ब्लैकमेल करते रहे, और इस फैमिली के बुजुर्ग नारायण जायसवाल, सन्यासी नारायण जायसवाल, जरा पता करो कहीं ऐसा तो नहीं काफी कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे रहे हो और मौन व्रत धारण कर लिया। सर वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अगर जुर्म के बारे में जानने के बावजूद चुपचाप बैठे रहे हो तो हमारी दुनिया में उसे भी जुर्म ही माना जाता। हमारे परिवार के सारे बच्चे इतना भयंकर खेल खेल रहे थे, सबकी जिंदगी दांव पर लग गई। क्या आप जानते थे? नहीं पुष्पा, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने भयंकर चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। एक बात बताऊं, ये बात उन लोगों को भी पता नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला इस खेल का अंजाम, बिल्कुल नहीं जानते। किसी की जान ले लेना किसी भी सूरत में कोई खेल नहीं है, और जुर्म करने के बाद इस उम्मीद में बैठे रहना कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे खेल नहीं, बेवकूफी है। कानून और पुलिस एक आध बार फिसल सकते हैं, पर इससे कभी मुजरिम अपने जुर्म से फिसल कर भाग नहीं सकता। इंसान का बनाया कानून इंसानियत और कुदरत के नियमों से ही प्रेरित है। हर कर्म का एक निर्धारित फल होता है, और हर जुर्म का एक ही फल है, किए की सजा। जय हिंद।